अगर भारत के क्रिकेट इतिहास को उठा के देखें तो ये जो मैच था वो अब तक की सबसे कम बॉल्स के अंदर एंड हुआ है। इतनी कम बॉल्स के अंदर भारत इससे पहले कभी भी अपने घर पे मैच नहीं हारा था। इस हार के बाद भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। रवि शास्त्री का कहना है कि भारत ये जो मैच हारा है ये असल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने नहीं हराया है, ये मैच भारत अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारा है। जो भारत को जरूरत से ज्यादा अपने आप पे विश्वास हो चुका था कि हम तो जीत ही जाएंगे, उसी विश्वास ने भारत के साथ दगा कर दी। ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से पहली इनिंग में खेला उन्हें देख के लग रहा था कि ये सब कुछ बहुत लाइटली ले रहे हैं, ये ऐसा मान के बैठे हैं कि हम आउट तो कर ही देंगे। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि भारत का जो वो विश्वास था वो ऑस्ट्रेलिया ने चकनाचूर कर दिया। अब रवि शास्त्री तो जो कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन मुझको भैया इस चीज में दिलचस्पी थी कि आखिर रोहित शर्मा इस हार के बाद क्या कहेंगे। तो अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा ने हार के बाद जो स्टेटमेंट दिया है वो सुन के अच्छा लगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा कि हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं कि हम स्पिन को अच्छे से नहीं खेल पाए और हम मानते हैं कि हम बेहतर कर सकते थे। सेम टाइम पे रोहित शर्मा ने ये भी कहा कि हम लोग को इस मैच में जिस एक बंदे से सीख लेनी चाहिए वो चेतेश्वर पुजारा नहीं है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा जिस तरीके से खेल रहे थे या वो जिस तरीके से खेलते हैं वो वैसे ही खेलते हैं, हम कहीं ना कहीं उनके जैसा नहीं खेल सकते हैं, उनके जैसा वो खुद ही खेल सकते हैं, लेकिन हम जिसके जैसा खेल सकते हैं वो है श्रेयस अय्यर। सही पकड़े हैं। रोहित शर्मा का कहना है कि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर अपनी पारी में खेल रहे थे आज के टाइम पे उसी तरीके से खेलना जरूरी है, उसी तरीके से डोमिनेट करना जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा वक्त लेंगे या फिर आप बहुत ज्यादा इस चीज का वेट करेंगे कि एक बार मैं टिक जाऊं तो उसके बाद रन मारूंगा, तो उसी टिकने के चक्कर में आप अपना विकेट खो देंगे। और सच में भाई जिस तरीके से श्रेयस अय्यर खेल रहे थे ना उसी तरीके से भाई सच में खेलने की जरूरत है, हर टीम ऐसे खेल रही है और उसी तरीके से आज के समय में जो टेस्ट मैच हो रहे हैं उनको फेस ही वैसे किया जा सकता है। इसीलिए भैया ऋषभ पंत की कमी खल रही है, क्योंकि वही एक बंदा था जो इस तरीके से खेलता था, एक सूर्य कुमार यादव है जो इस तरीके से खेल सकते हैं, लेकिन भैया वो टीम में आ नहीं सकते हैं और लाए भी कैसे भैया, आ भी वो सिर्फ श्रेयस अय्यर की जगह सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर भैया शुभमन गिल को लेकर थोड़ा सा अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं तो कह रहा हूं सूर्य कुमार यादव को ओपनिंग कराओ भाई, 30-40 रन तो वो 30-40 रन तो भैया मतलब मजे मार जाएगा। करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये तो हुई रोहित शर्मा की बात। अब यहीं पे भैया जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे स्टीव स्मिथ, उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है जिसे सुन के तुम उन्हें सैल्यूट करने पे मजबूर हो जाओगे, जो सुन के तुम ये कहने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई भले ही तुम विपक्षी टीम के कप्तान थे लेकिन तुमने ये जो कांड किया है या फिर ये जो बड़ा काम किया है कसम से मजा आ गया भाई। क्या हुई? पर वो देखने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जल्द ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है और उसके बाद आईपीएल का त्योहार शुरू होने वाला है, तो जाहिर सी बात है फैंटेसी क्रिकेट का वक्त आ चुका है। लेकिन जितने भी लोग आप में से फैंटेसी क्रिकेट खेलते होंगे आप में से बहुत लोगों को ये दिक्कत भी होती होगी कि यार कौन सी टीम बनाए, किन प्लेयर्स को लें, अच्छे से समझ में नहीं आता है। और उस अच्छी टीम को ढूंढने के लिए फैंटेसी प्लेयर्स काफी इधर उधर के ग्रुप ज्वाइन करते हैं या पहले से दूसरों को पैसे भी देते हैं। काफी बार तो ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको आप पैसे देते हो ये स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं अपनी विनिंग का, मगर भरोसा कैसे किया जाए कि इसने सही में जिताया है। और एक्सपर्ट्स की दी हुई 4-5 टीम्स के स्क्रीनशॉट से टीम बनाने में भी तो वक्त लगता है ना, और अगर उसने टीम बाद में चेंज कर दी तो और भी मुश्किल। तो भाई चिल मारने का क्योंकि इन सब परेशानियों से बचाने के लिए आया है फैंटेसी स्पोर्ट्स में पहली बार एक ऐसा फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप जहां पे आपको एक्सपर्ट टीम प्रोवाइडर्स भी मिलते हैं। यानी वो ऐप ये कहता है कि अब टीम बनानी नहीं है, एक्सपर्ट टीम सेलेक्ट करनी है। उन एक्सपर्ट्स का लेवल देखो, उनकी परफॉर्मेंस देखो, उनको फॉलो करो, उनकी टीम क्लोन करो और पैसे जीतो। इतना ही नहीं, अगर एक्सपर्ट अपनी टीम के लाइनअप को बाद में एडिट भी करता है तो आपकी टीम भी अपने आप एडिट हो जाती है ना कमाल की बात। और टीम क्लोन करने के लिए कोई पहले से पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, जीतने के बाद ही आपके वॉलेट से परसेंटेज कट जाता है और जब जीत ही रहे हैं तो कुछ परसेंट कट भी जाए क्या दिक्कत है। तो बस एक्सपर्ट्स की लेवल देखो, परफॉर्मेंस देखो, फॉलो करो और जीतो। इस कमाल के ऐप का नाम है गेमोथॉन। इस ऐप में प्रोवाइडर सेक्शन से जाके प्रोवाइडर्स को ब्राउज करो, फॉलो करो, उनकी टीम क्लोन करने के लिए माय टीम्स पे जाके प्रोवाइडर के टैब से एक बटन से क्लोन करो और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। माय कॉन्टेस्ट से आप टीम को देख सकते हो और रिजल्ट से लाइव लीडर बोर्ड भी देख सकते हो। साला इतने साल से इतने फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप मार्केट में चल रहे हैं, ऐसा किसी ने अब तक क्यों नहीं सोचा? चलो कोई नहीं सोचा तो नहीं सोचा, तुम जल्दी से जाओ गेमोथॉन ऐप पे रजिस्टर करो, अपनी प्रोफाइल और केवाईसी जल्दी से अपडेट करो और इस आईपीएल पैसा मत गवाओ। बस भाई और क्या चाहिए जीवन में, बिल्कुल ही वेट मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कार्ड में तुमको मिल जाएगा, अभी जाओ जाके गेमोथॉन को चेकआउट करो।
तो जैसा मैं कह रहा था कि भले ही हमें ऑस्ट्रेलिया ने हराया है, भले ही ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ की कप्तानी में हमें हराया है और भले ही स्टीव स्मिथ यहां पे विपक्षी टीम के कप्तान हैं, पर उसके बावजूद भी हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने भाई जिस तरीके की कप्तानी करी, अगर आपने वो तीसरा टेस्ट मैच लाइव देखा होगा ना, तो भले ही देखो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने अच्छी खासी बॉलिंग करी है, नाथन लियोन हो गए या बाकी हो गए, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी है, लेकिन अगर आपने मैच को लाइव देखा था, अगर आपने खासकर जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करा रही थी और इंडिया बैटिंग कर रही थी, अगर आपने उन इनिंग्स को लाइव देखा होगा, तो आप भी इस बात को मानेंगे कि स्टीव स्मिथ क्या फील्ड लगा रहा था बंदा। भाई पुजारा ने भले ही रन मारे हैं, लेकिन पुजारा के रन मारते वक्त वो जिस तरीके से फील्ड का प्लेसमेंट कर रहे थे और उसी के साथ जिस तरीके से वो अपने बॉलर्स को एडवाइस दे रहे थे कि भैया इसी तरीके से बॉलिंग कराना, लेग पे रखना, और वहीं पे लेग पे फील्डर प्लेस कर रहे थे, और वहीं पे अगर आपने उनके डीआरएस का इस्तेमाल देखा होगा, भाई बंदे का तुम कॉन्फिडेंस देख रहे थे, वो बंदा बॉलर विकेट कीपर से पूछ ही नहीं रहा था, या तो वो अपील कर ही नहीं रहा था, और अगर वो कन्विक्शन के साथ अपील कर रहा था और अगर उस अपील पे अंपायर मना कर रहा था, तो वो बिना किसी से पूछे सीधे ये कर दे रहा था। मतलब भाई मैं तो सोच रहा हूं कि कमिंस को बनाया क्यों है कप्तान। भले देखो मुझे हराया है ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भैया मैं ऑस्ट्रेलिया वालों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर तुम अपना भला चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम भैया और स्ट्रांग टीम बन सको, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट कप्तान है ना वो स्टीव स्मिथ है और कोई नहीं है। सही बात है। अंदर ही अंदर मुझे तो ये लगने लगा कि भाई सीएसके ने बेन स्टोक्स को देखो कहीं ना कहीं ये सोच के भी खरीदा है कि भविष्य में ये बंदा हमारा कप्तान बन सकता है, लेकिन बेन स्टोक्स ने तो ये कह दिया कि भैया हम आखिरी के टाइम पे निकल जाएंगे, और उसके बाद से सीएसके वाले यहां पे परेशान है कि भाई इस बंदे को सोच दे कैप्टन बनाएंगे और ये कह रहा है भैया मैं अभी निकल जाऊंगा, मैं आखिरी के चार मैच खेलूंगा नहीं। तो तब मुझे लगा कि स्टीव स्मिथ को एज अ कैप्टन सीएसके चूज कर सकती थी। हां भले ही पिछले कुछ टाइम में उनका टी20 में हाथ तंग रहा है, लेकिन सेम टाइम पे ये भी सच है कि हाल ही में जो बिग बैश लीग हुई थी, वहां पे स्टीव स्मिथ कसम से भैया कातिलाना खेल करके आए थे, मस्त भैया सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे थे, तो शायद यहां पे सीएसके स्टीव स्मिथ को एज अ प्लेयर तो ले ही सकती थी, लेकिन सेम टाइम पे उनके अंदर एक लॉन्ग टर्म कप्तान को भी देख सकती थी। बात तो सही है। और भाई स्टीव स्मिथ की तुमने कमाल की बात नोटिस करी कि उसने विकेट कीपर एलेक्स कैरी को यह बोल रखा था कि जब भी बॉल थोड़ा भी बल्ले के करीब से जाए तो तुम स्टंपिंग में स्टंप्स गिरा देना, और वैसे ही हम लोग अपील करेंगे, और जब भी इस केस में थर्ड अंपायर के पास अपील जाएगी तो हमें डीआरएस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी स्टंपिंग्स के लिए भैया थर्ड अंपायर देखेंगे तो वो ये भी देखेंगे कि क्या इस बल्लेबाज का अल्ट्राइज लगा है, और इस चक्कर में हमें डीआरएस लेना भी नहीं पड़ेगा, और सेम टाइम पे ये भी चेक हो जाएगा कि क्या इसका अल्ट्राइज लगा था या नहीं लगा था। और ये जो दिमाग उस बंदे ने इस्तेमाल किया है ना, कसम से मजा आ गया। और ये बात मैं सिर्फ नोटिस नहीं कर रहा हूं, बहुत लोगों ने इस बात को नोटिस करा है, बहुत लोग भैया लगातार ट्रेंड चला रहे हैं कि कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए स्टीव स्मिथ ने आईसीसी के एक रूल का फायदा उठा लिया। वैसे जहां हम रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, तो उनसे मैच की हार के बाद जब ये पूछा गया कि बहुत से ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, बहुत से ऐसे पूर्व क्रिकेटर्स हैं जो ये टिप्पणी कर रहे हैं कि भैया इस पिच पे आपको ऐसे खेलना चाहिए था, इस पिच पे आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए था, इस पिच पे या फिर थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था, तो रोहित शर्मा इस पे कहते हैं कि ये जो भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या फिर ये जो भी पूर्व क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने कभी भी इस तरीके की पिच पे नहीं खेला है, और जब तक आप असल में उस पिच पे खेले नहीं हो, तब तक आप ये नहीं सकते कि आपको यहां पे कैसे खेलना चाहिए। हमने यहां पे खेला है, हम यहां पे खेल रहे हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि यहां पे क्या सही हो सकता है। इन्होंने ये बात कोई घमंड या डिसरिस्पेक्ट में नहीं कही, लेकिन फिर भी मुझको बात कुछ हद तक पसंद आई, क्योंकि भाई देखो बाहर बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान होता है, कोई मुंह उठा के ज्ञान दे देता है, जो असल में वहां झेल रहा है ना वो ही जानता है कि भाई उस पे बीत क्या रही है। सहलेंगे थोड़ा सा। इस लाइन से मुझे विराट कोहली की वो लाइन याद आती है जब भैया उन्होंने अपने सेंचुरी के सूखे को तोड़ा था और उन्होंने कहा था कि बाहर तो बहुत लोग हैं जो आपको ज्ञान देंगे कि विराट कोहली ऐसे खेलो, ऐसे मारो, ऐसे भैया तुम्हारा फॉर्म वापस आएगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो सामने से आके मुझको कन्फ्रंट कर रहा था, वो बस एक ही बंदा था जो कि थे एमएस धोनी, क्योंकि एमएस धोनी भी जानते थे कि भैया बाहर से बातें करना ना बहुत आसान होता है, एमएस धोनी जानते थे कि जब खुद पे बीतती है तो क्या होता है, इसीलिए एमएस धोनी ने बाहर बैठ के ज्ञान नहीं बतियाया, वो सीधे भैया विराट कोहली
कोहली के पास जाके बोले, भाई देखो ये सब बुरा दौर है, चलता रहता है, ये तुम मुझे बताओ कि कब रिटर्न करने वाले हो। और ये सारी बातें मैं भैया बना के नहीं बोल रहा हूँ, विराट कोहली ने पॉडकास्ट दिया है ना आरसीबी को, उन्होंने खुद बताई है ये बातें। ठीक है समरिया। वैसे तुम लोग रोहित शर्मा की इस बात से कितना एग्री या कितना डिसएग्री करते हो कि भैया पूर्व क्रिकेटरों को इस बात का ज्ञान नहीं देना चाहिए कि पिच पे याली कैसे खेलो कैसे ना खेलो, क्योंकि उन्होंने नहीं खेल रखा इस पिच पे, हम खेल रहे हम ही जानते हैं। उस जमाने में तो यह 500-600 पड़ते थे, यहाँ 150 बनाने में फटके हाथ में आ जा रही है, तो भैया हमें झेलने दो, हम जो झेल रहे हैं सलाह देनी है, सामने आके दो, पॉजिटिव तरीके से दो, जबरदस्ती का ज्ञान नहीं चाहिए। आप लोग का रोहित शर्मा के स्टेटमेंट पे क्या कहना है, जो भी वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। चलो भाई, तो उनका नाम है देवदास चौधरी, जो पूछते हैं कि सरफराज खान को WTC फाइनल में मौका मिलेगा, प्लीज रिप्लाई। तो भाई देखो, जहां तक बात रही WTC की, वहां पे मौका अगर मिल भी गया ना 15 में तो 11 में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि WTC फाइनल में भैया एक ही मैच होता है, और जब भैया फाइनल से पहले उसको नहीं खिलाया तो एक फाइनल में अचानक से नए प्लेयर का डेब्यू मुझे लगता है नहीं कराएंगे, क्योंकि भैया प्रेशर भी ज्यादा होता है, और अगर देखो खिलाना होता तो अभी तक खिला दिए होते। जब बंदा एकदम सुप्रीम लेवल के फॉर्म में चल रहा था तब उसको नहीं खिलाया, अभी तो फिलहाल बंदा इंजर्ड चल रहा है भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है, तो कहां WTC फाइनल खेलेगा। लेकिन भैया दुख होता है, मौका मिलना चाहिए था, मतलब उसने अपना ऐसा परफॉर्मेंस दिया था जो डोमेस्टिक क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई बंदा नहीं दे पाया है। अगर इस परफॉर्मेंस में भी आप उसको 15 के अंदर नहीं ले जा रहे हैं तो पता नहीं भैया किस बेसिस पे लेके जाते हैं। और ये चीज देखो सिर्फ सरफराज खान के लिए बुरी नहीं लगती है, ये सोचो भैया जो लोग बाकी एस्पायरिंग क्रिकेटर है उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि भाई जब इसको मौका नहीं दे रहे हैं, जो भैया इतना फाड़ू परफॉर्म कर रहा है 100 के ऊपर जिसकी एवरेज चल रही है, तो फिर हमारा मौका आते आते तो ना जाने सालों बीत जाएंगे या फिर आएगा ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर फिर भी ये उम्मीद है कि भैया WTC फाइनल के बाद तो सरफराज खान आपको 100% टीम के लिए खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि भैया जो लोग खेल रहे हैं वो भी कोई बहुत गर्दा नहीं मचा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है भैया सरफराज खान जल्द ही रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न क्या करेंगे तो डेब्यू कर सकते हैं। पर सेम टाइम पे आपको क्या लगता है कि सरफराज खान को भैया मौका देने का टाइम आ गया है? और सेम टाइम पे आपको क्या लगता है कि भैया ये जो इंडियन टीम अभी खेल रही है इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? और अगर जरूरत है तो आपके हिसाब से वो चेंजेस क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से गेमथॉन ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जहां पे भाई आपको टीम ही नहीं बनानी है फैंटेसी क्रिकेट के लिए, एक्सपर्ट्स की टीम ऑलरेडी दिख रही है, बस उसको क्लोन करना है, फॉलो करना है, कुछ भी भैया यहां पे दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद भैया जब जीत जाओ तो कुछ परसेंटेज जो तुम्हारी विनिंग का होगा वो उनके पास चला जाएगा, मतलब तुम्हारा कुछ जाना नहीं है भैया, और जीतने की चांसेस 10-20-50-100 गुना बढ़ जाएगी, और क्या चाहिए जीवन में। और भैया IPL वगैरह आ रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ODI सीरीज आ रही है, पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका कहां होगा। तो अभी जाके गेमथॉन ऐप को एक बार मेरे कहने पे चेकआउट करके देखो, कसम से भाई मजा आ जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।